नवाज शरीफ अब नाअहल हों या ना हों, अब वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि कौम को समझ आ चुकी है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मीसाक मईशत के बजाय मीसाक जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, 10 करोड़ लोग गुरबत के शिकंजे में आ गए हैं। सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। नवाज शरीफ अब नाअहल हों या ना हों, अब वो आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि कौम को समझ आ चुकी है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मीसाक मईशत के बजाय मीसाक जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, 10 करोड़ लोग गुरबत के शिकंजे में आ गए हैं। सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।